कृष्ण को समझना चाहते हो, भगवान कृष्ण को पाना चाहते हो, भगवान कृष्ण को जानना चाहते हो, मिलना चाहते हो उनसे, तो उनसे मिलने के लिए आपको औरत बनना पड़ेगा, गोपी बनना पड़ेगा। बिना मीरा बने आप कृष्ण को नहीं पा सकते, बिना चैतन्य महाप्रभु हुए आप कृष्ण को नहीं पा सकते। कृष्ण को पाने के लिए नाचना होगा, गाना होगा। कृष्ण को पाने के लिए लाज शर्म सब आपको साइड में करनी होगी, खत्म करनी होगी, तभी आप कृष्ण को पा पाओगे। कृष्ण जब खुद को समझने के लिए, जब कृष्ण खुद को समझने के लिए कि मुझे लोग इतना प्यार क्यों करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आज से करीबन 500 साल पहले कुछ आए थे खुद को समझने के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब कृष्ण आए तो वो कृष्ण खाली कृष्ण होकर नहीं आए, वो राधा के तत्व के साथ भी आए। क्योंकि बिना औरत की क्वालिटी के आप कृष्ण को नहीं समझ सकते, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु माँ राधा रानी और कृष्ण दोनों का कंबाइंड फॉर्म, कंबाइंड अवतार थे। चैतन्य महाप्रभु जो कि अब राधा के अवतार थे, तो नाचना गाना कहीं भी खड़े होकर कीर्तन करने लग जाना, नाचना गाना, उछल उछल के कीर्तन करना, वो सारी चंचल चीज़ें, चंचल जैसा मन, बिल्कुल औरतों जैसा इमोशनल। तो कई जो साधु संत थे वो बड़ा चिढ़ते थे, मतलब वो लोग सोचते थे साधु संत का मतलब बस सीरियस बैठा हुआ तपस्या कर रहा है, बस आंख ऐसे ही गुस्से में, ऐसा नहीं। वो कहते थे कैसा साधु है यार, ये कैसा संत है, नाच रहा है, गा रहा है, झूम रहा है, ये क्या है यार, जोर जोर से चिल्ला रहा है। लेकिन उनको क्या पता, कृष्ण को समझने के लिए औरत का तत्व होना बहुत जरूरी है। बिना मीरा या चैतन्य महाप्रभु हुए आप कृष्ण को नहीं समझ सकते। और मैं आजकल की औरतों की बात नहीं कर रहा, जो सो कॉल्ड आज के टाइम पर जो मॉडर्न वर्ल्ड है, आज के टाइम पर औरत कम मर्द ज़्यादा होती जा रही है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, प्लीज़ इसको अदरवाइज में ना ले, माइंड मत करना, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। लेकिन जो औरत भी आज के टाइम पर बिल्कुल बराबरी करना, एक तरह से कंपटीशन कि लड़के कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, नेचर के अगेंस्ट जाके कई बार, नॉट मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस टाइम देख रहा हूं मैं कि भाई एक कंपटीशन की भावना है, एक प्रतियोगिता है कि भाई अगर लड़के कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं और हम करके दिखाएंगे। इस तरह से आज के टाइम पर औरतें पैसों को लेकर, वो प्यार कर रही हैं पैसों को लेकर, कि देख रही हैं कि लड़का गवर्नमेंट जॉब करता है नहीं करता है, उसके पास कितना पैसा है। और सच बताऊं तो मर्द औरत होते जा रहे हैं, तो यहां पर बात समझने की यह है कि औरत होने का मतलब क्या है। औरत होने का मतलब है वो भोलापन, वो कंपैशन, वो लव, वो जब उसके अंदर तरंग आए, वो नाचने लगे, गाने लगे, वो रोने भी लगे। औरत कभी छुपाती नहीं है, लेकिन मर्द थोड़े कठोर होते हैं, ठोस होते हैं, वो दिखाते नहीं है, जताते नहीं है, अंदर अंदर उनके साथ सब होता है, लेकिन औरत बहुत खुली होती है। तो औरत बनना पड़ेगा कृष्ण को समझने के लिए। औरत समर्पित होती है, सरेंडर हमें सुना है किसके लिए होता है, औरत के लिए होता है सरेंडर, समर्पित औरत है। वो बच्चों को भी देख रही है, वो अपने पति को भी देख रही है, सास ससुर को, अपने माता पिता को भी देख रही है, वो बड़े से बड़े पर्सन को जन्म दे रही है। एक औरत से ही ये दुनिया शुरू हो रही है, उसी से ही निकल रहे हैं बिल गेट्स, आइंस्टाइन, कृष्णमूर्ति, ओशो, इस औरत से ही निकल रहे हैं सब। और आपने देखा होगा कि औरतें कितनी जल्दी किसी के भी प्यार में फंस जाती है, तो यहां पर उस टाइप का आपका मन, उस टाइप की भावना
हुए बिना आप कृष्ण को कैसे समझ सकते हो, आप कृष्ण को कैसे जान सकते हो? आप कृष्ण को सीरियस होकर, कृष्ण को जो है वो प्रिंसिपल्स के थ्रू, थ्योरीज के थ्रू नहीं जान सकते। कृष्ण को जानने के लिए यार, कृष्ण को समझने के लिए कबीर होना पड़ेगा, कृष्ण को समझने के लिए राधा रुक्मणी होना पड़ेगा। तो यहां पर बात यह है, इतनी सी बात है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप औरत हो जाओ, इसका मतलब है अपने अंदर जो औरतों की थोड़ी बहुत क्वालिटीज हैं उसको थोड़ा सा देखो, स्टडी करो, थोड़ा लेकर आओ अपने अंदर और उस भाव से कृष्ण को समझो, तब तुम कृष्ण को पा सकोगे, तब तुम कृष्ण को जान सकोगे। क्योंकि मीरा मानती थी कि इस दुनिया में मर्द सिर्फ एक ही है, वो है भगवान कृष्ण, और बाकी सब औरतें हैं, जनानी हैं, मर्द सिर्फ एक ही है, भगवान श्री कृष्ण। सो आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।